हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एफके गुरु चैनल। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं अडानी जो कंपनी के जो शेयर मार्केट है किस तरह से धराई साई के साथ गिरा है, किस तरह से गिरा है कंटिन्यू जो है। दोस्तों कितना भी अंबानी के वीडियो भी आया है सामने, उसके बाद भी दोस्तों जो है अडानी का जो शेयर है कंटिन्यू जो है दोस्तों गिर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अडानी जो है इस टाइम में जो है अमीरों के लिस्ट में जिस तरह पहले टॉप टेन में जो दोस्तों दो नंबर पे थे, फिर जो है तीन नंबर पे आया दोस्तों, अभी उस किस नंबर पे है मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से नीचे जो है रेड बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि जो लोग भी जो है दोस्तों अगर LIC में या आप स्टेट बैंक में पैसा या LIC कुछ खोले होंगे तो उसके बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों कई वीडियो जो है हमारे चैनल पे है, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों बात यह है कि जब अडानी का जब एक हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है हर कंपनी के ऊपर रिसर्च करती करने वाली कंपनी जो है दोस्तों मीडिया के माध्यम से जब आया दोस्तों तो पूरा भूचाल मच गया, खास करके जो इंडिया मार्केट के अंदर जो इंडियन मार्केट के अंदर जो दोस्तों भूचाल मच गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, जैसे जब आया कि दोस्तों इतना कर्ज अडानी के ऊपर हो चुका है, इससे दोस्तों ये हुआ, इस रिपोर्ट में ये दिखाया दोस्तों कि अडानी ने अमीर बनने के लिए बहुत कर्ज जो है बैंक से लिए थे और ये इतना कर्ज हो चुका है कि अडानी नहीं चुका पाएंगे। इसके बाद लोगों में खलबली मचा दोस्तों, जितने लोग शेयर और जितने लोग बिजनेस से में जुड़े हुए थे अडानी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना शेयर निकालना चालू किए, अपना पैसा जो है बैंक से निकालना चालू किया, LIC से अपना जो है तोड़ना चालू किया दोस्तों, जो LIC में जो अपने जो LIC खुलवाए हुए थे तो वो भी LIC से अपना खत्म करना चालू किया दोस्तों। और हालत ये है कि दोस्तों अडानी को बीच में एक वीडियो मीडिया का माध्यम से एक वीडियो बनाकर डालना पड़ा, उसके बाद भी दोस्तों उनका जो शेयर मार्केट जो है दोस्तों कंटिन्यू जो है गिर रहा है दोस्तों। कंटिन्यू जो जो भी लोग शेयर जो बेचे अपना खरीदे हुए थे वो लोग अपना शेयर जो है निकाल रहे हैं दोस्तों, और अडानी का जो है जो इस तरह से दो नंबर पे तीन नंबर पे थे दोस्तों, अभी जो है कंटिन्यू गिर कर दोस्तों आज के डेट में 11 नंबर पे आ गया दोस्तों, टॉप 10 में भी नहीं है दोस्तों। टॉप 10 में अडानी का नाम जो है दोस्तों अभी के डेट में खत्म हो चुका है, आगे क्या होगा ये तो नहीं मालूम है दोस्तों, मगर अडानी का जो है टॉप 10 के नाम लिस्ट से दोस्तों नाम खत्म हो चुका है। अभी इंडिया का कोई बिजनेसमैन जो है टॉप 10 के अंदर अभी कोई भी बिजनेसमैन इंडिया का नहीं, ये मुकेश अंबानी हो या अडानी हो दोस्तों, ये दोनों का जो है नाम जो है खत्म हो चुका है। और अडानी जो थे जो दो नंबर पे थे, कभी तीन नंबर पे थे दोस्तों, आज वो 11 नंबर पे आ चुके हैं। तो मैं बताना ये था दोस्तों कि अडानी का जिस तरह से जो है उनका शेयर वैल्यू जो है शेयर मार्केट में दोस्तों गिरावट की जा रही है, कितना भी कोशिश कर रहे रोकने को मगर रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। अगर आप भी उनका शेयर लिए होंगे आप खुद समझदार हो, क्योंकि शेयर आप खेलो खुद समझदार हो, आपको क्या करना खुद आप देख सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि निकालो या मैं नहीं कहूँगा कि मत निकालो दोस्तों, मगर हाँ अभी जो वैल्यू है बहुत ही रफ्तार के साथ गिर रहा है दोस्तों। ये जो है बहुत बड़ा आफा जो है अडानी के ऊपर आया हुआ है, और एक रिपोर्ट जो है दोस्तों अडानी को जो है बर्बादी के जगह पे लेकर आ चुका है। सिर्फ 7 दिन के अंदर दोस्तों अडानी जो दो नंबर तीन नंबर से दोस्तों एक बार 11 नंबर पे, एक ही बार जो है दोस्तों 11 नंबर पे आ चुके हैं। माना जा रहा है कि अभी और कंटिन्यू जो है वो नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही आपको बताना था कि अडानी कितने नंबर पे आ चुके हैं, टॉप 10 लिस्ट में है या नहीं है, ये बताना था। जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और जल्दी से शेयर कर दीजिए।